दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 100% डाउनलोड करके बताएंगे पार्ट 3 का एडमिट कार्ड कैसे करना है। मैं डायरेक्ट लिंक ही बताऊंगा जहां से आपको कुछ भी आपको इधर उधर नहीं करना है, बस आप क्लिक करेंगे और रोल नंबर डालेंगे, आपका एडमिट कार्ड आपके मोबाइल में हो जाएगा डाउनलोड। तो आपको कैसे करना होगा, इसके लिए आपको गूगल पे चले जाना है। पहले मैं बता देता हूँ कि प्रक्रिया आपको कैसे करना होगा। चलने के बाद आपको क्या करना है, ये बात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने जल्दी अभी अभी सर्च किया है इस चीज़ को और जल्दी से कर लिए डाउनलोड, माधव एनसीईआरटी क्लासेस सर्च कर लिए। अब हमने सर्च करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होकर आया, हमने क्या किया इस पर क्लिक कर दिए। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा पेज आया, इस भाई का फोटो सा आ गया, यहाँ पर नीचे चलेंगे, लेटेस्ट अपडेट में हमने आए, लेटेस्ट में देखे, फिर हमने ऑनलाइन प्रोसेस में देखे, हमने फटाफट क्या किया इस पर क्लिक किया। तो हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होकर आया जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। अब आने के बाद हमने क्या किया, नीचे गए, नीचे जाने के बाद हमने इस चीज़ को पढ़े, सभी को पढ़े आसानी से सबने, पर हमने पढ़ लिया। फिर पढ़ने के बाद केवल यहाँ पे हमने रोल नंबर भर दिया और यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक किया, हमारे सामने एडमिट कार्ड हो गया डाउनलोड। डाउनलोड हो गया, हमने बहुत ज़्यादा खुश हो गया, हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर ये कारण भी हमने पढ़ लिया क्योंकि कैसे आपको यहाँ पर क्या होगा। अब हम आपको डाउनलोड करने का प्रक्रिया बताएंगे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक का देखिए पीला कलर में दिया जा चुका है, इस पर क्या किया हमने डायरेक्ट एक छोटा सा क्लिक कर दिए। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा यहाँ पे अनेबल बता रहा है सर, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में ये चालू हो जाएगा लिंक, तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। हम यहाँ पे तब तक के एडमिट कार्ड यहाँ पर लिंक है इस वाले पे क्लिक कर सकते हैं। ध्यान देखिए किन छात्रों का एडमिट कार्ड रद्द हो जाएगा और क्या गलती करने पर रद्द हो जाएगा, हम वो प्रक्रिया भी बताएंगे इस वीडियो में। तो हमने पहला ऑप्शन पर क्या किया क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा देर हमको वेट कर लेना है, वेट करने के बाद हमारे सामने पेज खुलकर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बार बार ये अनेबल बता रहा है, लेकिन हमने 100% डाउनलोड किए हैं इसका उदाहरण हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो बता रहे हैं जहाँ से हमने डाउनलोड किए हैं, आगे देखिए। अभी लिंक थोड़ा स्लो चल रहा है, जैसे ही महाविद्यालय की मदद द्वारा लिंक दिया गया हमने उसी समय क्लिक करके डाउनलोड किया। डाउनलोड किए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पार्ट 3 ऑप्शन आया था, हमने उस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हमारे सामने थोड़ा स्लो पेज काम किया था, बट हमारे सामने यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन खुलकर आया था, रोल नंबर मांगा गया था जिसको हमने क्या किया आसानी से भरे हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं स्पष्ट रूप से हमने अब क्या करेंगे, देखिए हम क्लिक कर चुके, हमारे सामने रोल नंबर मांगा जा रहा है, हमने रोल नंबर को भर दिए। जैसे हम रोल नंबर के भर दिए हैं अब हमको सर्च पर क्लिक कर दिए, हमने सर्च पर क्लिक करे हैं, हमको सर्च पर क्लिक करते हैं हमारे सामने थोड़ा देर हम लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे, वेट करने के बाद हमारे सामने आसानी से खुलकर आ जाएगा, हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा जिससे हम अपना मोबाइल में सेव कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अब थोड़े से देर हम लोग वेट करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा। चलिए इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ, हमारे सामने हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ चुका है जिसे हम अपने फ़ोन में देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड हमारे सामने आ चुका है, कब कब परीक्षा है सारा चीज़ इसमें दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।